हम लोग जो है हेलो एलकेन में पढ़ रहे थे, तो हेलो एलकेन का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं और हेलो एरिन का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। तो कल तक हम लोगों ने प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी क्लासिफिकेशन देखा था, एलाइलिक क्लासिफिकेशन हुआ था, अब हम लोग बेंजाइलिक क्लासिफिकेशन बोलेंगे। तो बेंजाइलिक हैलाइड्स के बारे में आज पढ़ेंगे। बेंजाइलिक हैलाइड्स किसको बोलते हैं? अगर कोई हैलोजन एटम बेंजाइलिक कार्बन से अटैच रहेगा, अगर कोई हैलोजन एटम बेंजाइलिक कार्बन से अटैच रहेगा तो उसको हम लोग बोलते हैं बेंजाइलिक हैलाइड। अब बेंजाइलिक कार्बन क्या है? बेंजीन रिंग का नेक्स्ट कार्बन, बेंजीन रिंग में जो डबल बॉन्ड है उसके नेक्स्ट कार्बन से जब जुड़ा हुआ रहता है, बेंजीन रिंग के बाहर नेक्स्ट कार्बन, बेंजीन रिंग के नेक्स्ट कार्बन को हम लोग बेंजाइलिक कार्बन बोलते हैं। और उस बेंजाइलिक कार्बन से अगर हैलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है तो उसको हम लोग बोलते हैं बेंजाइलिक हैलाइड या एराइल अल्काइल हैलाइड। एराइल अल्काइल, बेंजाइलिक हैलाइड और एराइल अल्काइल हैलाइड, ठीक है। तो इसमें क्या है कि हम लोगों को ये भी एक तरह से एलाइलिक ही है। एलाइलिक क्या होता है? ओपन चेन है ना, नेक्स्ट टू डबल बॉन्ड है, ठीक है। ये क्या हुआ, जैसे ये डबल बॉन्ड है इसका नेक्स्ट कार्बन ये है ना, और इससे हैलोजन, ये तो हो गया एलाइलिक। ये वाला जो कार्बन है यहाँ पर जो कार्बन है ये एलाइलिक कार्बन हो गया, ये एलाइलिक कार्बन, ओपन चेन है, ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड का नेक्स्ट कार्बन से क्लोरीन जुड़ा होता है। डबल बॉन्ड का जो नेक्स्ट कार्बन होता है एलाइलिक होता है। इस यही एलाइलिक जो है बेंजाइलिक हो जाएगा अगर ये बेंजीन रिंग बन जाए। अब जैसे देखो, ठीक है, अब जो है बेंजीन रिंग बना रहे हैं, ये बेंजीन रिंग है, ये जो है बेंजीन रिंग है। अब ये डबल बॉन्ड है, इससे एक हम जोड़ देते हैं यहाँ पर एक कार्बन, ये डबल बॉन्ड है इससे ये एक कार्बन को हमने जोड़ दिया। तो ये डबल बॉन्ड है उसका नेक्स्ट कार्बन ये है, ये भी बेंजाइलिक के जैसा दिखा। ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड वाला कार्बन ये है और उसका नेक्स्ट कार्बन ये हुआ, ये भी एलाइलिक के तरह ही है, लेकिन चूंकि ये बेंजीन रिंग है इसलिए नाम हो गया बेंजाइलिक। और इसी से हम जो है, ठीक है, हम इधर और इधर जो है जो भी है वो भर देंगे, है ना, यहाँ भी भर देंगे। ये हो गया हमारा बेंजाइलिक, बेंजाइलिक कार्बन, ये जो हमारा हुआ ये बेंजाइलिक कार्बन हुआ, और ये है एलाइलिक कार्बन। ये ओपन चेन में डबल बॉन्ड का नेक्स्ट कार्बन से जब हेलोजन जुड़ता है तो उसको एलाइलिक बोलते हैं, और बेंजीन रिंग वाले डबल बॉन्ड का नेक्स्ट कार्बन से अगर हेलोजन को जोड़ देते हैं तो उसको हम लोग बेंजाइलिक कार्बन बोलते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट टू डबल बॉन्ड को एलाइलिक या बेंजाइलिक बोलेंगे। ओपन चेन रहेगा तो वो हो गया एलाइलिक, और बेंजीन रिंग रहेगा तो उसको हम बोलेंगे बेंजाइलिक, ठीक है। तो हम लोग ये बेंजाइलिक हैलाइड जो होता है या एराइल अल्काइल हैलाइड जो होता है, ये भी तीन तरह का होता है, प्राइमरी सेकेंडरी एज वेल एज टर्शियरी, ठीक है। तो ये बेंजीन रिंग है, ठीक है, मान लो यहाँ दिए डबल बॉन्ड, यहाँ देंगे फिर यहाँ एक कार्बन दिए, ठीक है, ये हो गया प्राइमरी। प्राइमरी इसलिए हुआ, एक दो तीन चार प्राइमरी बेंजाइलिक ब्रोमाइड, ठीक है। ये क्या है? प्राइमरी बेंजाइलिक ब्रोमाइड। ये क्या हुआ? प्राइमरी, क्योंकि ये कार्बन प्राइमरी है इससे ये फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है वो प्राइमरी है। एक दो तीन चार, चार सिंगल बॉन्ड है इसलिए ये प्राइमरी हो गया, है ना, ये सॉरी
चार सिंगल बॉन्ड है ना, मतलब ये sp3 हुआ, ये हो गया हमारा sp3। और चूंकि इस कार्बन के साथ, जिस कार्बन से ये फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, उससे सिर्फ यही एक कार्बन है जो डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। इस कार्बन के साथ डायरेक्टली कितना कार्बन जुड़ा हुआ है? सिर्फ और सिर्फ ये वाला है, तो यहाँ 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 सब कार्बन इसी से जुड़ा हुआ है। लेकिन इस कार्बन से डायरेक्टली कितना कार्बन जुड़ा हुआ है? इस कार्बन से डायरेक्टली सिर्फ यही कार्बन जुड़ा हुआ है ना, इस कार्बन से डायरेक्टली सिर्फ और सिर्फ ये वाला कार्बन जुड़ा हुआ है, एकमात्र कार्बन जुड़ा हुआ है, इसीलिए ये हो गया हमारा 1 डिग्री कार्बन। ठीक है, 1 डिग्री कार्बन, प्राइमरी कार्बन, इसी को हम लोग प्राइमरी, इसलिए इसका नाम हो गया प्राइमरी बेंजाइलिक ब्रोमाइड, क्योंकि ये बेंजाइलिक कार्बन है। ये कार्बन क्या है? बेंजाइलिक है, क्योंकि डबल बॉन्ड का नेक्स्ट कार्बन, डबल बॉन्ड यहाँ है, ये कार्बन डबल बॉन्ड है, उसके नेक्स्ट कार्बन, डबल बॉन्ड का नेक्स्ट कार्बन जो होता है एलाइलिक या बेंजाइलिक कहलाता है। तो अगर ओपन चेन रहेगा तो एलाइलिक होगा, और बेंजीन रिंग रहेगा तो बेंजाइलिक कहलाएगा। ये हो गया प्राइमरी बेंजाइलिक ब्रोमाइड। ठीक है, अब जो है दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम लोग। ठीक है, अब यहाँ पर एक अल्काइल ग्रुप इंट्रोड्यूस कर देते हैं। अब इसमें क्या है, ये कार्बन जो है sp3 है, ये कार्बन जो है sp3 हो गया, क्योंकि 1 2 3 4 सिंगल बॉन्ड है। इस कार्बन से डायरेक्टली एक ही कार्बन ये जुड़ा हुआ है, इसलिए ये 1 डिग्री हो गया, 1 डिग्री कार्बन हो गया। उसका तीसरा चीज़ क्या है, नेक्स्ट टू डबल बॉन्ड है, इसलिए ये क्या हो गया, बेंजाइलिक हो गया, ये बेंजाइलिक कार्बन है। ठीक है, सॉरी ये प्राइमरी नहीं हुआ, ये सेकेंडरी हुआ, क्योंकि इस कार्बन से ये भी तो जुड़ा हुआ, एक कार्बन इधर है, एक कार्बन इधर है, ये हो गया 2 डिग्री, यानी सेकेंडरी कार्बन हो गया। ये एक कार्बन इससे जुड़ा हुआ है, दूसरा कार्बन इससे जुड़ा हुआ है, तो इस कार्बन से दो कार्बन डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, एक ये है और एक ये है, ये और ये, ये दोनों इस कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, इसलिए ये सेकेंडरी कार्बन हुआ। ठीक है, इसलिए ये सेकेंडरी बेंजाइलिक हैलाइड हो गया, इसलिए ये हो गया सेकेंडरी बेंजाइलिक हैलाइड, सेकेंडरी बेंजाइलिक हैलाइड। क्लियर, अब थर्ड जो है हम लोग लेते हैं, तीसरा एग्जांपल। अब देखो इधर भी अल्काइल ग्रुप दे दिए, इधर भी अल्काइल ग्रुप दे दिए। ठीक है, ये हो गया हैलाइड का जगह, यहाँ ब्रोमाइड लिखेंगे क्योंकि हम ब्रोमीन दिए हैं, यहाँ आयोडीन दिए हैं, आयोडाइड लिखेंगे। अब ये कार्बन क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, ये कार्बन क्या है, ये कार्बन जो है बेंजाइलिक है, क्योंकि नेक्स्ट टू डबल बॉन्ड है, बेंजाइलिक है। तीसरा चीज ये क्या है, ये कार्बन जो है तीन कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, 1 2 3, 1 2 3, तीन कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, इसलिए ये टर्शियरी कार्बन है, इसलिए इसका नाम हो गया टर्शियरी बेंजाइलिक आयोडाइड। ठीक है, इस तरह से जो बेंजाइलिक हैलाइड है वो तीन तरह का होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। बेंजाइलिक किसको बोलते हैं, नेक्स्ट टू कार्बन, नेक्स्ट टू द डबल बॉन्ड, कार्बन एटम नेक्स्ट टू द कार्बन हैविंग डबल बॉन्ड, कार्बन हैविंग डबल बॉन्ड। क्लियरली रिमेंबर दिस, विच वन इज नॉन एज बेंजाइलिक कार्बन, द कार्बन एटम विच इज बॉन्डेड टू द कार्बन हैविंग डबल बॉन्ड इन बेंजीन रिंग, कार्बन एटम बॉन्डेड टू द कार्बन एटम हैविंग डबल बॉन्ड विद इन बेंजीन रिंग आर नॉन एज बेंजाइलिक कार्बन। ठीक है, कार्बन एटम अटैच्ड
टू कार्बन एटम हैविंग डबल बॉन्ड इज नॉन एज एलाइलिक। क्लियर, डबल बॉन्ड के नेक्स्ट कार्बन से को हम लोग एलाइलिक बोलते हैं, और जब यही डबल बॉन्ड बेंजीन रिंग में आ जाएगा तो हम इसको बोलेंगे बेंजाइलिक। ठीक है, क्लियर, तो रिमेंबर दिस, कीप इट इन माइंड। ओके, अब एक स्पेशल जो है हम लोग लेते हैं एग्जांपल, साइड चेन से जब जुड़ा हुआ रहेगा तब देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखो साइड चेन से जुड़ा हुआ है ये, ठीक है, ये साइड चेन से जुड़ा हुआ है। अब इसमें क्या है, ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड का नेक्स्ट कार्बन ये हुआ, इससे जो है हम लोग क्लोरीन को जोड़ देते हैं। ये भी तो बेंजाइलिक हुआ ना, ये बेंजीन रिंग है, ये देखो बेंजीन रिंग है ना, ये बेंजीन रिंग नहीं है, ये बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग का डबल बॉन्ड वाला कार्बन ये है, बेंजीन रिंग का डबल बॉन्ड वाला कार्बन ये है, और डबल बॉन्ड कार्बन का नेक्स्ट कार्बन ये हो गया। डबल बॉन्ड कार्बन का नेक्स्ट कार्बन से हैलोजन जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, ये बेंजाइलिक कार्बन हुआ, ये जो है बेंजाइलिक कार्बन हो गया, ये बेंजाइलिक कार्बन है। अब ये जो है sp3 भी है, क्यों, एक दो तीन जो दिख रहा है ये तो बॉन्ड लाइन फॉर्मूला है, एक हाइड्रोजन दिख रहा है, अभी sp3 हाइब्रिड है, लेकिन ये जो है, ये जो कार्बन है इतने जुड़ा हुआ है, एक कार्बन इधर एक कार्बन इधर, दो दो कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये हो गया सेकेंडरी कार्बन, इसलिए ये हो गया 2° बेंजाइलिक क्लोराइड, इसलिए ये सेकेंडरी है, क्योंकि ये कार्बन दो कार्बन से जुड़ा हुआ है इसलिए सेकेंडरी है, ये डबल बॉन्ड कार्बन है उसका नेक्स्ट कार्बन से जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन, ये हो गया है बेंजाइलिक कार्बन। तो ये स्पेशल एग्जांपल है, इसको याद रखना है, इस तरह का भी स्ट्रक्चर कहीं दे दे तो घबराना नहीं है, ध्यान से देखना है कि वो बेंजाइलिक है या नहीं, एलाइलिक है या नहीं, वो प्राइमरी है सेकेंडरी है। तो अगर ये तो हो गया क्या, साइड चेन अगर दिया हुआ रहेगा किसी भी बेंजीन रिंग में तो प्राइमरी तो खैर कभी नहीं होने वाला, सेकेंडरी होगा या टर्सरी होगा, प्राइमरी होने वाला नहीं है। जैसे ये सेकेंडरी है टर्सरी भी संभव है, टर्सरी भी हो जाएगा, लेकिन कभी भी प्राइमरी नहीं होगा जब एलीसाइक्लिक रिंग अटैच है, जब एलीसाइक्लिक रिंग बेंजीन रिंग से अटैच हो गया, ये एलीसाइक्लिक रिंग हो गया ना, ये एलीसाइक्लिक रिंग अगर अटैच हो गया किसी बेंजीन रिंग से तो प्राइमरी होने का कोई चांस नहीं है, जब होगा तो सेकेंडरी होगा और टर्सियरी होगा। अब देखो सेकेंडरी तो देख लिए और टर्सियरी भी, ये हमारा बेंजीन रिंग है, क्लियर, अब जो है क्लोरीन हो गया, और इसमें क्या है दो है ना, एक क्लोरीन हो गया, दूसरे पर हम मिथाइल लेते हैं। अब देखो ये कार्बन क्या हो गया, ये कार्बन जो है तीन कार्बन से जुड़ गया है, ये कार्बन तीन कार्बन से, इस कार्बन के कार्बन कितने कार्बन, एक दो, ये दोनों अटैच है, तीसरा ये हो गया, तो ये कार्बन क्या हो गया, टर्शियरी कार्बन हो गया। ठीक है, और चूंकि ये तो sp3 है ही, क्योंकि चार सिंगल बॉन्ड है, एक दो तीन चार सिंगल बॉन्ड है, उसके बाद ये जो कार्बन है नेक्स्ट टू द डबल बॉन्ड कार्बन है, ये डबल बॉन्ड कार्बन है उसका नेक्स्ट है ये, ठीक है, तो इसलिए ये बेंजाइलिक भी है, बेंजाइलिक भी है, ये हो गया हमारा टर्शियरी बेंजाइलिक, टर्शियरी बेंजाइलिक क्लोराइड। ठीक है, इसलिए प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी तो होगा जब साइड चेन ओपन रहेगा, जब साइड चेन ओपन रहेगा, है ना, बेंजाइलिक वर्ड तो तभी यूज होता है जिसमें साइड चेन होता है, तो साइड चेन अगर ओपन रहा जैसे पहले डिस्कस किए तो उसमें प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी तीनों होगा, लेकिन जब साइड चेन क्लोज्ड रिंग होगा यानी एलीसाइक्लिक रिंग होगा अगर साइड चेन बेंजीन का, तो उस केस में प्राइमरी संभव नहीं है, सेकेंडरी और टर्शियरी हैलाइड ही संभव है, सेकेंडरी एंड
टर्शियरी बेंजाइलिक हैलाइड बनेगा, क्लियर? ओके okay?